शहर में स्वच्छता में सुधार के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने जैव डाइजेस्ट कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो घाटी कचरा से खाद और मीथेन गैस उत्पन्न कर सकता है। प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट और समारोह कक्ष में एक स्थाई स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। सिटी महापौर बोतू राम मोहन ने कहा है कि होटल प्रबंधन के साथ बैठक के दौरान उनके होटल और फंक्शन हॉल में बायो डाइजेस्टर खाद इकाइयों को स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। कचरा, कचरे का पृथककरण घर पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक यूनिट को लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च होंगे और GHMC राज्य सरकार और केंद्र से उन्हें सब्सिडी वाले मूल्य पर उपलब्ध कराने की अनुमति मांगेगी। उन्होंने कहा कि GHMC शहर में स्वच्छता में सुधार के लिए प्रमुख अपार्टमेंट और अन्य में जैव डाइजेस्टर कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने की भी योजना बना रही है। महापौर ने कहा कि शहर में लगभग 4,500 मेट्रिक टन कचरे का उत्पादन रोजाना किया जाता है और इससे GHMC 1,000 से अधिक टन सूखा और गीला अलग अलग कर रहा है। उन्होंने कहा कि GHMC आवासीय कल्याण संगठनों, गैर सरकारी संगठनों की मदद ले रहा है। ITC, गोदरेज, कॉर्पोरेट सेक्टरों के समन्वय से गीला और सूखा कचरे को पृथक करने में स्वयं सहायता समूहों को अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि GHMC ने 50 सूखी संसाधन केंद्र प्रदान किए हैं।